जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में क्लास अष्टम का विषय है भूगोल। पुस्तक है संसाधन एवं विकास, जिसका अध्याय है 6। तो हमने पहले पढ़ा था जनसंख्या के से पहले जो हमारा अध्याय था मानव संसाधन। क्या था? मानव संसाधन। और मानव संसाधन में जो मुख्य विषय था, वो मुख्य जो तत्व है वो है जनसंख्या। क्या है? मानव संसाधन में जो मुख्य अध्याय हम कर रहे थे तो वो था जनसंख्या। तो जनसंख्या का हमने वितरण पढ़ा था, किस तरह से जनसंख्या का वितरण होता है, और जनसंख्या का घनत्व हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से हमने उनको 3 या 4 कारकों में बांट रखा था, या पुस्तक के अनुसार इसको इस तरह से बांट रखा है। तो पहला कारक है भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में जो सबसे मुख्य कारक है वो है स्थलाकृति। स्थलाकृति अर्थात जमीन की आकृति, यानी जमीन का स्तर कैसे है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, और स्थलाकृति जो पसंद है वो कौन सी है? मैदानी भाग। क्या है? मैदानी। इसकी वजह से पहाड़ों और पठारों से ज्यादा मैदानी भागों में लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे हुए हैं। गंगा का जो मैदान है वो घनी आबादी वाला है, जबकि एंडीज, आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत हैं जो विरले हैं, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। दूसरा है जलवायु। जो दूसरा कारण है वह है जलवायु। कौन सा है? जलवायु। जलवायु में कौन सा है? लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अटलांटिक में रहने से बचते हैं। जो चरम जलवायु है, जो चरम जलवायु है उस क्षेत्रों के बजाय वो है जो सामान्य में रहना पसंद करते हैं। क्या रहना है? सामान्य। चरम में यानी न तो अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में, न अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, जहां मिला जुला पर्यावरण है जो जलवायु है वहां वो लोग रहते हैं। तीसरा है मृदा। कौन सा है? मृदा। तीसरा है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त है। तो मृदा में कौन सा है? उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ जो क्षेत्र है वहां लोग रहना पसंद करते हैं, जिन पर उपजाऊ नहीं है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांग ही और चांग जियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदानों में लोग रहते हैं। फिर है जल। चौथा जो कारण है वो है जल। क्या है? जल जहां उपयुक्त है, जहां अलवणीय जल मिलता है। क्या मिलता है? अलवणीय। अलवणीय जल अगर मिलता है तो उन क्षेत्रों में वो लोग रहते हैं, और अलवणीय जो नदियां हैं, बहती हुई नदियां हैं, उन क्षेत्रों में जहां लवणीय है वहां नहीं। फिर है खनिज। खनिज क्षेत्र जो खनिज निरपेक्ष वाले क्षेत्रों में अधिक है, जहां खनिज निरपेक्ष क्षेत्र है, निरपेक्ष क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं। और जो दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानों हैं, जो है तेल के क्षेत्र हैं, वहां लोगों को दिख रहने के लिए। और दूसरा तीसरा कारण है आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक कारण। ये अ ये ब। आर्थिक कारण में भी कई चीजें हैं जो रहने को, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर, जहां रोजगार के अवसर होते हैं। क्या होते हैं? रोजगार के अवसर हैं, वहां लोग अधिक रहते हैं। जैसे कोई औद्योगिक शहर है या भारत में। फिर है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक कौन सा है? जहां धार्मिक क्या है?
सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। फिर है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में जो क्षेत्र हैं जहां पर आवास शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वह अधिक उपयुक्त होती हैं, वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या में बदलाव कैसे होता है? जनसंख्या में बदलाव कैसे होता है? जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन में तीन चार चीजें मुख्य रूप से आती हैं। एक परिवर्तन होता है जन्म दर से, इसे जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास से। प्रति हजार बच्चों जन्म लेने वाले बच्चों का समय है एक वर्ष में और मृत्यु दर सेम है, मृत्यु होने वाले बच्चे एक वर्ष में और प्रवास का है आवर्जन। अर्थात या तो जगह छोड़ देना या जगह पर आकर बस जाना। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है या कई गुना बढ़ गई है जैसा कि सारणी में दिखाया गया है, और ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या के परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते लगे लेकिन शीघ्र ही वे मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था कि उस समय में जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों के लिए भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में भी सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि कम हुई। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई, लेकिन अगले 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब यानी 3 गुना बढ़ गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। और 1999 में 30 वर्ष की अवधि में जनसंख्या से कम में जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक थी। जन्मों को साधारण जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर प्रति हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, और मृत्यु दर भी प्रति हजार मरने वाले लोगों को कहते हैं, और किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी एक देश में जन्म व मृत्यु दर के अंतर को, जन्म और मृत्यु दर का जो अंतर है, या तो जन्म दर अधिक होगी या मृत्यु दर अधिक होगी, या फिर मृत्यु दर कम जो होगी तो जन्म दर अधिक होती है, इसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि है जो प्लस और माइनस में हो सकती है, अगर घटती है तो भी वो वृद्धि ही कहलाएगी। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। एक प्रवास एक अन्य कारण है जिसके कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। एक देश के में अथवा दूसरे देशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं।
अब क्या है उत्प्रवासी यानी देश छोड़ने वाले, और जो दूसरा है वो है आप्रवासी। आप्रवासी देश में आने वाले इससे भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। तो उत्प्रवासी वे लोग हैं जो देश छोड़ते हैं और आप्रवासी वे लोग हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान एक ऐसा देश है जिसमें लोग बाहर चले गए अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर होता है। और ये कहां होता है? कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों। इसको आप यह भी कह सकते हो कि स्थानों से जो आंतरिक है, क्या है? आंतरिक परिवर्तन कम विकसित से अधिक विकसित स्थानों की ओर है जो होता है। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं। तो आपका इस अध्याय में, मानव संसाधन के छठवें अध्याय में आपका इतना ही। इस बार कोर्स में जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, इसको आपके अध्याय से हटा दिया गया है, और जनसंख्या संगठन ये भी आपके अध्याय से हटा दिया गया है। अतः हम कल इसके प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।